दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे नए सेगमेंट वीकली ऑटोमोबाइल अपडेट बुलेटिन में, जहां हम आपको बताएंगे पूरे हफ्ते की ऑटोमोबाइल मार्केट में होने वाली हलचल के बारे में। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ऑटोमोबाइल अपडेट लेकर हम आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपडेटेड रहो देसी स्पार्क के साथ। तो शुरुआत करते हैं अपकमिंग मारुति सुजुकी ब्रेजा से। मारुति सुजुकी ने इसी हफ्ते ये अनाउंस किया है कि सेफ्टी को एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मानते हुए ब्रेजा फेसलिफ्ट के सारे वेरिएंट बेस से लेकर टॉप मॉडल तक सब में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसा सेफ्टी फीचर होगा। इंडियन कस्टमर्स की सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस को मद्देनजर रखते हुए ब्रेजा फेसलिफ्ट के सभी मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रोग्राम के साथ ही लॉन्च होगा। हम आपको बता दें कि इसी महीने के लास्ट तक ऑल न्यू ब्रेजा फेसलिफ्ट की लॉन्चिंग होनी है। उससे पहले मारुति सुजुकी ने लोगों को यह हिंट दे दिया है कि ब्रेजा के ZXI वेरिएंट में भी सनरूफ ऑफर किया जाएगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि प्रीमियम एसयूवी लवर्स के लिए गुड न्यूज है। ह्युंडई मोटर्स ने यह अनाउंस कर दिया है कि इसी साल ह्युंडई अपनी प्रीमियम एसयूवी टक्सोन का फोर्थ जनरेशन मॉडल लॉन्च करेगी, तो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में इस साल एक और एसयूवी आ जाएगी। ह्युंडई टक्सोन का फोर्थ जनरेशन मार्केट में डायरेक्टली जीप कंपास जैसे प्रीमियम लोडेड विद फीचर्स एसयूवी से कम्पीट करेगा, तो ह्युंडई भी इस साल आपके लिए ला रही है एक प्रीमियम एसयूवी। खबर यह भी है कि फ्रेंच ऑटोमेकर सिट्रोन भी इसी साल जुलाई या अगस्त तक अपनी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सिट्रोन C3 को लॉन्च करेगी। सिट्रोन C5 के साथ एंट्री मार्क कर अब सिट्रोन इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपने एग्जिस्टेंस को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। सिट्रोन C3 आपको ऑफर होगी 78 कस्टमाइजेशन कैबिन ऑप्शंस के साथ, जिसमें 8 अलग अलग सीट कवर्स के पैटर्न्स और 10 अलग अलग पेंट स्कीम के साथ आपको सिंगल टोन और ड्यूअल टोन कलर्स में भी ऑफर की जाएगी, तो कॉन्सेप्ट लवर्स इस कार के लॉन्च होने के लिए काफी एक्साइटेड है। दोस्तों अगली बड़ी खबर है टाटा नेक्सॉन के CNG वर्जन को लेकर। टाटा नेक्सॉन CNG के टेस्ट मील को एक बार फिर से टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। इसके बाद एक के बाद एक बार बार स्पाई किए गए इस म्यूल से कंफर्म हो जाता है कि टाटा मोटर्स टाटा नेक्सॉन का CNG वेरिएंट बहुत जल्द इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में लॉन्च करेगी। हम आपको बता दें कि करेंटली टाटा नेक्सॉन के पेट्रोल वेरिएंट्स, डीजल वेरिएंट्स, इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स तीनों इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर टाटा मोटर्स नेक्सॉन का CNG वेरिएंट लॉन्च कर देता है तो ये इंडिया की पहली ऐसी कार बन जाएगी जिसके सारे पॉसिबल वेरिएंट्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल होंगे। अब चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई प्राइस ने लोगों को CNG व्हीकल्स पर शिफ्ट होने के लिए मजबूर कर दिया है। इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इसको अच्छे से समझ गई हैं और इस पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच ह्युंडई ने ह्युंडई ऑरा CNG को SX वेरिएंट्स के साथ पेश कर दिया है, जिसकी प्राइस 8.5 लाख रुपए एक शोरूम रखी गई है। इससे पहले ऑरा CNG सिर्फ S वेरिएंट में आती थी, जिसकी प्राइस 7,90,000 एक शोरूम दिल्ली से स्टार्ट होती है। अपने SX CNG वेरिएंट को ह्युंडई ने 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया है, जिसका माइलेज 28 किलोमीटर पर KG का क्लेम किया जा रहा है। आपको बता दें कि मारुति सुजुकी डिजायर CNG और टाटा टिगोर CNG के बाद सबसे ज्यादा अप्रैल और मई में सेल होने वाली तीसरी सेडान है ह्युंडई ऑरा CNG। टाटा मोटर्स की तरफ से एक और बड़ी न्यूज मिली है। बीते दिनों टाटा सफारी का पेट्रोल इंजन टेस्टिंग म्यूल स्पाई किया गया था। मुंबई पुणे हाईवे पर इसे देखा गया है और कयास ये लग रहे हैं कि 2023 में टाटा मोटर्स टाटा सफारी का पेट्रोल पावर ट्रेन वेरिएंट भी लॉन्च करेगा। हम आपको बता दें कि टाटा सफारी आ सकती है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ, और इसके अलावा अपकमिंग हारियर फेसलिफ्ट में भी आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन का इंजन मिलने वाला है। टाटा सफारी इज मोर ऑफ एन अर्बन SUV, बट स्टिल टाटा इज लुकिंग टू गिव इट अ बेटर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज। आपको बता दें कि अभी टाटा सफारी आपको ऑफर की जाती है कायरोटेक 2.0 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन के साथ, जो प्रोड्यूस करता है 168 BHP की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब देखना यह है कि टाटा मोटर्स टाटा सफारी फेसलिफ्ट में क्या कुछ नया ऑफर करती है। इसी बीच टोयोटा ने अपनी अपकमिंग सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक SUV टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर का फर्स्ट ऑफिशियल टीजर लॉन्च कर दिया है। टोयोटा हाई राइडर जुलाई में लॉन्च होगी और उसके साथ ही ऑटोमोबाइल मार्केट में मिड साइज SUVs का कॉम्पिटिशन और बढ़ जाएगा। टोयोटा हाई राइडर मार्केट में डायरेक्टली ह्युंडई क्रेटा, किया सेल्टोस और स्कोडा कुशाक जैसी भारी भरकम मिड साइज SUV से कॉम्पीट करेगी। बीते दिनों ह्युंडई मोटर्स ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV वेन्यू का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया और उसके बाद ये अनाउंस किया कि ह्युंडई वेन्यू फेसलिफ्ट की 21,000 से ज्यादा प्री बुकिंग्स हो चुकी है। लोगों को काफी पसंद आ रही है ह्युंडई वेन्यू फेसलिफ्ट।